जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ बाय हार्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त प्रियंका। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे सारे वीर जवान भाइयों के लिए दिल से एक सैल्यूट। थैंक यू सो मच हमारे लिए रहने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। आपकी वजह से हम घर में आराम से सो सकते हैं, खा सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। सिर्फ आपकी वजह से ये संभव हुआ है। आज का दिन हमारे लिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 73 साल हो चुके हैं, 73 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस टुडे। और मैं अपने आप को एक्चुअली हम सभी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमने एक स्वतंत्र देश में जन्म लिया है। अगर स्वतंत्रता से पहले या हमारे जन्म से पहले स्वतंत्रता नहीं मिली होती तो उस समय का सिनेरियो आप सोच सकते हैं कि कैसा होता होगा। खुद को स्वतंत्र कराने के लिए कितनी ज़्यादा आंदोलन, कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ, कितने ज़्यादा त्याग और बलिदान देश के परिवारों ने, देश के भाई बहनों ने, माताओं ने दिए हैं। तो मैं अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने उस समय जन्म लिया जब देश स्वतंत्र हो चुका था, हम अपने देश में आज़ादी की सांस ले सकते थे, अपना खुद कुछ भी काम कर सकते थे बिना किसी रोक टोक के साथ या बिना किसी इंटरफेरेंस के साथ। तो आज का वीडियो एक बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है एक क्विक स्नैक जो कि आप लोगों को, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि देखने में है ये बहुत अट्रैक्टिव। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं स्नैक रेसिपी की, जो कि है ट्राई कलर सैंडविच या ट्राई कलर ब्रेड पकौड़ा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं रेसिपी की। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल शेफ बाय हार्ट, प्रेस द बेल आइकॉन और उसके साथ जो तीन ऑप्शन आते हैं उसमें पहले ऑप्शन को कीजिएगा क्लिक, ताकि मेरी वीडियोस की आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके फोन में। एक बार फिर से शेफ बाय हार्ट की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। ट्राई कलर ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कटोरी बेसन, उसे मिलाने के लिए पानी, ये है ग्रीन चटनी और ये है टोमेटो केचप एंड दिस इज़ मेयोनीज। और मैंने ले लिया है 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसन में हम सॉल्ट और हल्दी पाउडर डाल के इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे, जैसे कि पकौड़े बनाने के लिए बनाते ही हैं। तो ये गया इसमें नमक लगभग 1 चम्मच। और अब हम इसका बनाते हैं एक स्मूथ लंप फ्री बैटर। थोड़ा थोड़ा पानी ही डालकर बैटर बनाना चाहिए। एक साथ अगर पानी डाल देंगे तो उसके लंप्स क्लियर नहीं होते हैं, इसीलिए कभी भी आप पकौड़े के लिए या कड़ी के लिए बैटर बनाएं तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाइए। ये देखिए स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे ब्रेड के पीसेस को कट, 2-2 करके इसको हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ब्रेड के पीसेस को कट करना या उनकी शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रायंगुलर शेप का ब्रेड कट कर लिया है। ये 4 ब्रेड के पीसेस है, 8 पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसकी लेयरिंग। तो फर्स्ट लेयर में हम लगाएंगे रेड कलर, ये है टोमेटो केचप। अगर आप टोमेटो केचप यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं तो आप टमाटर की चटनी बनाकर उसका यूज़ कर सकते हैं। ये है ग्रीन चटनी, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और नींबू से बनाई हुई है। ये घर पर होममेड ग्रीन चटनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन केचप, चिली जो सॉस होता है उसका यूज़ करिए। और ये है मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा। और मेयोनीज़ बनाने की रेसिपी मैं जल्दी ही, बहुत जल्दी आपके साथ अपने चैनल पर शेयर करूँगी। तो 3 लेयर बन चुकी हैं। अब एक के ऊपर एक रख के सबसे पहले रेड, फिर वाइट एंड फिर ग्रीन, और फिर उसके ऊपर एक सादा बिना किसी लेयर का ब्रेड रखकर इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब इसको बैटर में डुबा कर अच्छे से बिल्कुल, और इसको गरम तेल में डाल देना है। दूसरा वाला भी डाल देते हैं साथ में। देखिए ये ब्रेड पकौड़ा दिखने में तो
बहुत 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 अट्रैक्टिव है, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आप इसको बच्चे के टिफ़िन में भी फटाफट से बनाकर पैक कर सकते हैं, वो बहुत मज़े से खा जाएंगे। टिफ़िन खाली मिलेगा आपको, भरा हुआ टिफ़िन वापस बिल्कुल नहीं आने वाला है। और बड़ों को भी ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि खाने में टेस्टी है, हेल्दी है। और होममेड चटनियाँ यूज़ कर सकते हैं इसमें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ज़्यादा हेल्दी भी रहता है। और एक क्विक स्नैक है, तो जिसे शाम को अगर बच्चों को ब्रंच के लिए कुछ चाहिए होता है दूध के साथ, या हमें भी कभी कभी भूख लग जाती है, तो इसका यूज़ मतलब इसको बना कर फटाफट हम इंजॉय कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के साथ साथ भूख का भी, पेट का भी ख्याल रखना पड़ता है फ्रेंड्स, तो बस उसी लिए ये स्नैक है बहुत ट्रस्टवर्दी स्नैक। और आप इसको जब चाहे, क्योंकि ये बिल्कुल घर की चीज़ों से बना हुआ है, ब्रेड अक्सर सबके घर में रहता ही है, मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा ही रहता है, तो फटाफट से हम ब्रेड की ये स्नैक रेसिपी बना के बच्चों के साथ खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत क्रिस्पी बना है, इसलिए कट करने के टाइम थोड़ा सा, ये देखिए अंदर से देखिए कितने सुंदर कलर लग रहे हैं ये। तो देखने में अगर इतना सुंदर खाना सामने होगा, प्लेट में होगा, तो कौन छोड़ेगा, सब ही खाएंगे, और बच्चे तो इसको चट कर जाएंगे मिनटों में। तो पेश है आपके सामने शेफ़ बाय हार्ट के स्टाइल में ट्राई कलर ब्रेड पकौड़ा, जो कि बना है ब्रेड से और होममेड चटनी के साथ। इसको आप इंजॉय कीजिए चाय के साथ, सुबह या शाम कभी भी बना के ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और कैसा बना मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट कीजिएगा। फील फ्री फॉर कमेंटिंग फ्रेंड्स, कोई भी कमेंट हो, आप क्रिटिसाइज़ भी करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए, आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो। और ये है ट्राइकलर सैंडविच या ट्राइकलर ब्रेड पकौड़ा, ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।